तो यहाँ हम जा रहे हैं डांस प्रैक्टिस के लिए। यहाँ से लेफ्ट नहीं लेना, आगे से यहीं से लेने वाला था। मुझे भूख लग रही है। लेफ्ट लेके राइट ले लेना वहाँ से। और बस कुछ देर में हम वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ पे चल रही थी गर्ल्स की क्लासेस। और फिर आई हमारी डांस रिहर्सल की बारी और हम लोग एक्चुअली पहले सीख रहे थे अभी फर्स्ट टाइम ही। तेरे हाथ को कंधा ठनके, सो लेफ्ट साइड यू विल हाफ जस्ट सी 1 2 3 4 नाउ हैंड पोज 5 6 7 8 तो रिपीट 1 2 सेंटर ओ 5 6 7 या सो दिस कम्स ऑन। तेरे हाथ को कंधा ठनके, तेरे पैरों पायल छनके, हरे सेंटर मानी वे 6 7 8 Let's do it from the top again without music, then with music. 5, 6, 7, go. 4, 5, 6, 7, 8. आप सोच रहे होंगे ये तैयारियां हैं किसकी और मैंने बताया भी नहीं। तो मेरी नंद की शादी है, मतलब वंश की सिस्टर की, और ये सब तैयारियां उनके लिए ही, उसके लिए ही हो रही हैं। तो और बस रिहर्सल करते करते ब्राइड भी वहीं आ गई थी तो हमने स्टॉप कर दिया ताकि उस सॉन्ग ना पता चल जाए। व्लॉग अब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं दुबई जाने की तैयारी और उसके लिए हम देख रहे हैं हमारे पास क्या स्टॉक में पड़ा हुआ है, कपड़े वपड़े नहीं तो फिर हमें बनवाने पड़ेंगे। लेट्स सी। ये तो वो है टेडी बियर, भूल गई। नीचे ठीक है, इसके नीचे भी है, शादी वाला होगा ये। ठीक है वो आराम से हो गया पोपट। ये बहुत हैवी हो जाएगा, ये रहने दो। इसमें क्या था, शादी वाला, ये रहने दो बस। इस साइड है, हाँ इतने हैवी हैवी गिर दिए हैं यहाँ पे, गिरा दिए सारे। हाँ हो गया। ये देखो मामा अपना संपत्ति निकाल रहे हैं, आपको छोटे भूमि को मिल जाते हैं बस। और कान भर लो उसके। हमने कितनी पतली थी देख तेरी माँ, और अब देख अभी कौन सा मोटी है, मोटी हो गई है।
ये खुल जाएगा ना, खुलेगा कैसे? एक तरफ होती है, एक तरफ होती है तो दो इंच। हाँ मैं कह रही हूँ ना होती है, बाबा होती है, वही तो कह रही हूँ। जिस तरफ चैन होगी ना उस तरफ से नहीं खोलेगा वो, इस तरफ से खुलेगी, दोनों तरफ चैन है, उधर से ही खुलेगी, इधर से नहीं खुलेगी क्योंकि इधर जिप है। ये तो है, बट इसका ये जो है ना ये बहुत हैवी है, सोच रही हूँ कि ये पहनने झूल तो नहीं जाएगा भाभी जी, पहन लेके जाना पड़ेगा ना हैवी। ये तो मेरे को लगता है यार तो फिर ये मैं आपको फिर वो वाला ये गाउन ले और ये लाइट वेट मतलब क्या है आप इस तरह से ले लेना ना, ये हैवी नहीं है, ये ऊपर ही तो आ रहा है इसमें वर्क। अरे बाबा नीचे फ्लेयर ही तो आ रही है। एक ऑप्शन नहीं है ना, देखो कॉकटेल हो गया, मेहंदी हल्दी नहीं है, मेहंदी का वो हो गया जो वाला था ग्रीन वाला हो गया, पर जब हल्दी का नहीं है, एक आउटफिट के लिए हमारे पास कमी पड़ रही है, हल्दी के लिए जाएगा नहीं ना ये सब। अभी आप उस कमरे में रख दो फिर हाँ। और फिर मैंने डिसाइड किया कि वेडिंग के लिए मुझे न्यू लुक चाहिए, तो मैंने न्यू हेयर कलर करने का डिसाइड किया। और कलर में फर्क आएगा क्यों? क्योंकि ये कलर पुराना हो चुका है, फ्रेश कलर करूंगा तो वो अलग और डार्क कलर आएगा। और ये लेटर नहीं तो लेंथ ये है, ठीक है, ठीक है। मैं उस लेंथ में पहले यहां प्रोडक्ट लगाऊंगा, ठीक है, ये वाला कलर उठेगा फिर रूट लगो, पूरे एक साथ नहीं मारूंगा। पिछली बार क्या किया था आपने? पिछली बार टचअप करा था ना, मैं यहाँ से सेट कर दूंगा, घर पे जाके वो मुझे भी बदला, मैंने पहले कराया हुआ है, वो इधर हो जाता है। और यहाँ मैंने बैठे बैठे एक और काम निपटा दिया अपना, पेडिक्योर का। और यहाँ पे मेरा हेड वॉश चल रहा था, साथ में मेरे पेडिक्योर का उन्होंने पैक लगाया हुआ था पैरों पे, और बस अब था मोमेंट कि फाइनल लुक कैसा आया। और मैं एकदम सैटिस्फाइड थी, मेरे को इसी टाइप का ही चाहिए था। जब इन्होंने प्रॉपर ब्लो ड्राई किया तो बहुत अच्छा लगने लगा मेरे को, और मेरे को जितना चेंज चाहिए था अपने लुक में वो डेफिनेटली मुझे मिला। सो गाइज़, मैं ना सोच रही थी अपना हेयर कट करवाने का, मतलब अभी नहीं बट फ्यूचर में, तो मेरे को यहाँ पे भैया एक्सप्लेन कर रहे थे कि इस टाइप से वो कर देंगे कुछ कुछ करके, और मुझे दिखा रहे थे कि ऐसा ऐसा करके करेंगे, ऐसा लगेगा। आप बताओ गाइज़, मैं आगे से ऐसे शॉर्ट हेयर करवाने का सोच रही हूँ, साधना कट कहते हैं इन शॉर्ट इसमें इसको। व्हाट डू यू सजेस्ट, शुड आई गो विद इट और नॉट? क्योंकि मैं बहुत फिनिकी हूँ अपने बालों को लेकर। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं नेल एक्सटेंशंस कितना करवाती हूँ, बिना नेल एक्सटेंशन के मेरा जीवन अधूरा है। बट निर्वैर होने के बाद और उसके होने से 3 महीने पहले से भी मैंने नेल्स नहीं करवाए थे, अब ऑलमोस्ट 6 मंथ्स बाद मैं नेल्स करवाने आई हूँ। क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद हम करेंगे बफर एंड देन आर्ट। हाँ, आर्ट में मैं क्या करवा रही हूँ, सिल्वर कलर का, क्या है वो, मेटालिक का सिल्वर क्रोम। तो ठीक है, तो काजल दीदी क्या बोल रहे थे आप कि नेल से हाथों की सुंदरता बढ़ जाती है ना? हाँ, मेरे हाथ बहुत दिनों बाद थोड़े सही दिख रहे हैं मुझे, सो लॉन्ग। और ये मेरे फीट, इसमें इतने बुरे नहीं दिख रहे थे।
और यहाँ नेल्स कराते कराते मुझे दिख गई है तनु, जो कि मेरी एक्स ब्राइड थी, यहाँ पे टकरा गई मुझे। मैं इनकी फोटो डाल दूंगी, अभी मेरी एक्स ब्राइड थी। चौथ की जस्ट शादी में जाने से पहले था, तो मैंने मेहंदी का काम भी यहीं निपटा लिया। ठीक है और करवा चौथ वाला यहाँ पर लिखेंगे। और मैं पता नहीं सोच रही थी, वो भी अच्छा लग रहा जिसमें वो बंच मिस काम था, वो भी अच्छा लग रहा था। एक मिनट, एक हाथ पे वैसा दे दूंगी और दूसरे हाथ पे वो कर दूंगी। एक ये तो अच्छा लग ही रहा है, ये तो फ्रंट पे बनेगा, वो बैक पे बनेगा। अच्छा वो बंच मिस काम वाला बैक पे था। ठीक है ठीक है, फिर आ गया ना। बस ये सब तैयारियां हो रही हैं यहाँ पे शादी में जाने की दुबई। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको आएगा बहुत सारा मजा, क्योंकि उसमें हम जाएंगे दुबई फॉर शादी। फिलहाल के लिए लाइक करिए इस ब्लॉग को, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।